हरियाणा के पानीपत से एक ऐसी खबर आई है जिससे पूरे समाज सीख ले सकता है। ट्रांसजेंडर्स और किन्नरों को हमारे समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। किन्नरों को लेकर हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन पानीपत की एक ट्रांसजेंडर ने पूरे समाज के सामने मिसाल कायम की है। यहाँ बेबी नाम की एक किन्नर ने एक गरीब लड़की की शादी का पूरा खर्चा उठाया और धूमधाम से उसकी शादी करवाई। बताया जा रहा है कि पानीपत की एक ट्रांसजेंडर बेबी ने एक गरीब लड़की को बचपन से पाला और अब उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाया। बताया जा रहा है कि लड़की का परिवार बेहद गरीब है, जिस वजह से लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद बेबी किन्नर ने लड़की की शादी कराने का जिम्मा अपने सिर लिया। बेबी किन्नर ने शादी में दुल्हन के जेवर, दूल्हे के जेवर, खाने पीने जैसी तमाम व्यवस्था की और शादी में दिया जाने वाले सारे सामान का खर्चा भी खुद बेबी ने ही उठाया। जिस लड़की की शादी हुई है उसका नाम जन्नत बताया जा रहा है। जन्नत बचपन से ही बेबी के पास रहती थी, इस वजह से बेबी और उसका रिश्ता माँ बेटी जैसा था। शादी की हर रस्म में बेबी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़की की माँ ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी इतने धूमधाम के साथ होगी। वहीं बेटी की विदाई पर फूट फूट कर रो रही माँ को भी बेबी ने ही भरोसा दिलाया और कहा कि वह दुआ करेंगे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। वहीं एक किन्नर की पहल से समाज के लोग भी भावुक हो उठे और बेबी किन्नर की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और हमारी लड़की ने शुरू से मेरी बहन ने माँ ने पाला पोसा छोटे सारे से, और जो कुछ भी है मेरी अम्मा का हाथ है, उनके सिर पे दुआ है। ऊपर वाला मेरी अम्मा को कह जाएगा कि हज करवाए, मेरी अम्मा ने बेटी बेटी हज कर लिया। मेरी अम्मा चल बेटी चल, तेरी बच्ची सुखी रहे। बस मेरा निकाह मेरी नानी करवा रही हैं, सब कुछ उन्होंने ही करा। मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे लगा था कि मेरा ऐसे सिंपल होगा, पर आज मुझे पता चला मैं बहुत खुश हूँ। नानी ने सब कुछ, जैसे मेरे सर पे हाथ रखा नानी ने, ऐसे सबके सर पे हाथ रखे। अल्लाह मियाँ ने बहुत खुशियाँ दें।